हेलो यूट्यूब, आज हम पावर कैलकुलेशन देखेंगे पाइथन में रिकर्सन फंक्शन पे। सबसे पहले तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, तो def डिफिनीशन, फंक्शन का डिफिनीशन यानी नाम देंगे उसका। तो नाम देते हैं हम पावर। एक तो वैल्यू होगा जिस पे हम पावर बैठाएंगे और एक वो जो पावर बैठेगा। तो a वैल्यू दिए, जो नंबर दिए जिस पे पावर बैठेगा, और एक और नंबर दिए जो हम पावर वैल्यू बैठाएंगे, यानी 2 पे पावर 2 यानी 2 और कॉमा 2 हो गया, या 3 पे पावर 2 यानी a हो गया मेरा 3 और पावर हो गया 2 यानी b हो गया 2। अब कंडीशन देंगे इफ b इक्वल टू 1। अगर 1 होगा तो हमें इनटू या पावर कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन सिंपली क्या होगा, रिटर्न कर देना है a को। अगर ऐसा नहीं होता है तब रिटर्न a इनटू पावर फंक्शन को कॉल करेंगे, पावर a कॉमा b माइनस 1। कितना बार इनटू करना है, जितना बार b का वैल्यू हो उतना बार इनटू करना है माइनस 1 कर करके। सिंपली इस लाइन को समझेंगे हम, a इनटू पावर है a कॉमा b माइनस 1 हो गया। तो b माइनस 1 यानी b अगर हम 3 देते हैं तो 3 पे पावर 3 होगा, 3 यानी फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, इनटू होगा कब तक, जब तक कि 1 नहीं हो जाता है b का वैल्यू। 1 अगर 1 होता है फिर भी रिटर्न करेगा मेरा a, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 इनटू 3, और यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर से इनटू होगा 3 b का वैल्यू फर्स्ट टाइम, और b का वैल्यू जैसे ही 1 होगा रिटर्न 3 करके मेरा पूरा पावर कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो नंबर इंटर करवाएंगे, इनपुट इंटर इंटर नंबर, नंबर इंटर करवा दिए, n इक्वल टू दे देते हैं इंट इनपुट इंटर पावर वैल्यू, ये हो गया मेरा। अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट पावर वैल्यू कॉमा हो जाएगा मेरा पावर नम कॉमा एन हो गया। अब इसको रन करके देखेंगे, 3 पे पावर 3 देते हैं, 3 और ये 3 27, 3 × 3 9 और 9 × 3 27, 8 पे पावर 2 देते हैं, 64 आना चाहिए, 8 पावर 2 ये मेरा 64। इस तरह आप आसानी से पावर कैलकुलेशन रिकर्सन फंक्शन से पाइथन में कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।